नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने देखा सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक गिरावट देखने को मिली। आवक बढ़ने की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट होने की वजह से सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक डाउनसाइड ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि हमने अगर रिफाइंड सोया सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है आज भी सोयाबीन सरसों के अंदर नरमी देखी जा सकती है। सोयाबीन का सपोर्ट 5560, रेजिस्टेंस 5750, आरएम सीड सपोर्ट 8370, रेजिस्टेंस 8560। वहीं ग्वार सीड ग्वारगम के अंदर भी नरमी देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। ग्वारगम में सपोर्ट 9890, रेजिस्टेंस 10350, ग्वार सीड सपोर्ट 5850, रेजिस्टेंस 6000। यहाँ पर हमें लगता है लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में खरीदारी देखी जा सकती है, तो यहाँ पर निचले स्तर पर खरीदारी का ट्रेंड बना सकते हैं। कॉटन के अंदर भी यहाँ पर लोअर लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। कॉटन के अंदर सपोर्ट 27900, रेजिस्टेंस 28550। मसालों की बात करें तो मसालों के अंदर भी हमने यहाँ पर ट्रेंड रेंज बाउंड देखा है। हालांकि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड और त्योहारी मांग बढ़ने की वजह से भावों में खरीदारी देखी जा सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जीरा में सपोर्ट 14400, रेजिस्टेंस 15000, टर्मरिक सपोर्ट 7250, रेजिस्टेंस 7490, कोरिएंडर सपोर्ट 7770, रेजिस्टेंस 8000। आज के लिए मसालों के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। एडिबल ऑयल में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ग्वार सीड ग्वारगम में निचले स्तरों पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और साथ में कॉटन के अंदर भी निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।